हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा मैं खुश हूँ। इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई एम हैप्पी। इसके बाद का वर्ड है वह आया। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ही केम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा मुझे भूख लगी है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई एम हंग्री। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा क्या आप मदद कर सकते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा कृपया बैठिए। इंग्लिश में इसे बोलेंगे प्लीज हैव अ सीट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा आपका नाम क्या है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं मुझे यह पसंद है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई लाइक दिस। इसके बाद का वर्ड है कृपया अधिक बताएं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे प्लीज टेल मी मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका स्वागत है। इसे हम बोल सकते हैं यू आर वेलकम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यह कहाँ है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे वेयर इज इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा मुझे दे दो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे गिव इट टू मी। इसके बाद का अगला सेंटेंस है आपकी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे योर हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह बहुत अच्छा है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे ही इज वेरी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यह कितना है। इंग्लिश में इसे बोल सकते हैं हाउ मच इज दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे यह समय अच्छा लगता है। इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई लाइक दिस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का सेंटेंस हमारा क्या आप मुझे बता सकते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कैन यू टेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यह किताबें मेरी हैं। इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं दीज बुक्स आर माइन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमारा वह खुद काम करता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वर्क्स हिमसेल्फ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमारा मैं यह समय पास कर रहा हूँ। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई एम स्पेंडिंग दिस टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वह रो रहा है। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे ही इज क्राइंग। अगला इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा आप कैसे हैं। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे हाउ आर यू। इसके बाद का इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा मैं थक गया हूँ। इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई एम टायर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं आपका दिन कैसा था। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ वॉज योर डे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा मैं यहाँ नया हूँ। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई एम न्यू हेयर। इसके बाद का इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कहाँ जा रहे हो। इंग्लिश में इसे बोलेंगे वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा यहाँ कितनी देर लगेगा। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगला सेंटेंस है हमारा क्या तुम खुश हो। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आर यू हैप्पी। इसके बाद का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा मुझे यह नहीं पसंद है। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई डोंट लाइक दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा क्या तुमने काम किया। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे डिड यू वर्क।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा यह कैसे हुआ। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे हाउ डिड दिस हैपन। अगला सेंटेंस है हमारा क्या तुम ठीक हो। इसे आप इस तरीके से बोल सकते हैं आर यू ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा यह बहुत महंगा है। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अगला इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा आपका साथ देने का धन्यवाद, या फिर हम बोल सकते हैं आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। इसके हम बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा क्या आपका बच्चा ठीक है। इसे आप बोलेंगे इज योर चाइल्ड ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा मुझे यह समय पसंद है। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई लाइक दिस टाइम। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा मेरा सपना है कि। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे माई ड्रीम इज दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा आपका फोन कहाँ है। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे वेयर इज योर फोन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा मैं यह नहीं जानता। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे आई डोंट वांट दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है हमारा वह सफलता पाएगा। इंग्लिश में आप इसे बोलेंगे ही विल सक्सीड। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।